तो भैया हम फिर हाजिर हैं प्लांट वर्सस ज़ॉम्बी का सीजन 2 लेकर, और ये इसका पार्ट 2 है। ओ हाँ, पिछले वीडियो में हम लेवल 5 तक पहुंच गए थे, अब लेवल 6 से स्टार्ट करना है ना। हाँ भैया बिल्कुल सही कहा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओए अभी तक हमारे 4-5 प्लांट अनलॉक हो चुके हैं, तो उनसे ही खेलेंगे, अब लेवल 6 की बारी है। इसमें फ्रोजन पी शूटर अनलॉक होगा, तो चल इसको खेलना चालू करते हैं। हाँ भैया एक और प्लांट मिलेगा, मजा आएगा। देखिए इस बार तो नॉर्मल ज़ॉम्बी है, बस एक जंप वाला एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो चलिए खेलना चालू करते हैं। ओए वो जंप वाला ज़ॉम्बी ना, उसके लिए तो टॉलनट चाहिए, लेकिन टॉलनट अनलॉक नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, उससे भी हम निपट लेंगे। तो पहले सनफ्लावर प्लांट करते हैं, हमको 50 सन पहले से मिलते हैं, इसलिए पहले से प्लांट कर लिया। अब एक सन ड्रॉप और हुआ, जल्दी से लगाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ना सनफ्लावर की 2 लाइन लगाई जाए, ताकि हमारे पास सन की कमी ना हो। उसके बाद प्लांट्स को और आगे कर देंगे, तो हमें ज़ॉम्बी से लड़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहले एक वॉलनट पुट कर दिया, अब हमारे पास टाइम ही टाइम है। वो बेचारा ज़ॉम्बी धीरे धीरे चलता हुआ उस वॉलनट को खाएगा, तब तक हमारे पास बहुत टाइम रहेगा और हम खूब सारे हमारे सनफ्लावर लगा सकते हैं। हाँ भैया बात तो आप सही कर रहे हैं। अभी इस बार नहीं करते, अगले बार से 2 लाइन लगाना चालू करेंगे भैया। तो अभी सिंपल स्टाइल से खेलना चालू करते हैं। वो ज़ॉम्बी हमारा वॉलनट खा रहा है, तो उसको अटैक करने के लिए यहाँ पर एक पी शूटर लगा दिया। अब वेट करते हैं भैया, तुरंत एक सनफ्लावर और लगाना पड़ेगा। और अरे यहाँ से एक और ज़ॉम्बी आ रहा है, उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास ये आ चुका है भैया पोटैटो माइन, जो पिछले बार अनलॉक हुआ था, तो इसको भी प्रोटेक्शन के लिए लगा देते हैं भैया। इन केस अगर ज़ॉम्बी आगे आते गए या फिर हमारे वॉलनट को खा लिया और आगे पहुँच गए, तो प्रोटेक्शन के लिए ये पोटैटो माइन बहुत काम करेगा। देखिए वो एक्टिवेट भी हो गया है। अब दूसरी जगह ये पी शूटर लगाना पड़ेगा, जो उस ज़ॉम्बी को अटैक करे भैया। देखिए लगाइए भैया, हमारे सनफ्लावर लग चुके हैं, अब पी शूटर्स की बारी है। ओए आगे ठीक है, अभी तक तो 2 हमारे वॉलनट लग चुके हैं, और तीसरा वाला ज़ॉम्बी आ रहा है, वहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं है, तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर पोटैटो माइन लगा दिया है। अगर वो ज़ॉम्बी बहुत आगे बढ़ा तो वो फुट जाएगा। तो ठीक है, हमारे वॉलनट भी लग गए हैं, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 जगह और बाकी है पी शूटर, वहाँ भी लगा दें तो हमारा काम बन जाएगा। और प्रोटेक्शन के लिए पोटैटो माइन तो है ही, और साथ में हम सामने वो वॉलनट रखते जा रहे हैं। अब ये कौन वाला ज़ॉम्बी आ रहा है, इसके लिए एक और एडिशनल पी शूटर रखना पड़ेगा, तब ये मरेगा, वरना बहुत देर तक ये वॉलनट को खाता रहेगा। हाँ भैया गेम तो चलता रहेगा, पर हम व्यूअर्स से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस बीच में। तो व्यूअर्स बताइए, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी फर्स्ट पार्ट में आपका सबसे फेवरेट प्लांट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और अगर आपका जवाब ऑगी के फेवरेट प्लांट से मैच कर गया, तो आपको मिलेगा अगले वीडियो के एंड में शाउट आउट। तो देर किस बात की, इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपना फेवरेट प्लांट। और ये हुई ना बात कॉम्पिटिशन, मुझे कॉम्पिटिशन बहुत पसंद है, और ख़ासकर वो कंपटीशन जिसके लास्ट में कुछ रिवॉर्ड मिले, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो अगी तेरा फेवरेट प्लांट कौन सा है? हे भैया चीटिंग नहीं, ये मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो तब तक आप गेस कीजिए और कमेंट कीजिए प्लांट। ओके ठीक है, तब तक हम इसमें खेलते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो वो दौड़ने वाला और जंप करने वाला ज़ॉम्बी आ गया, उसने अपने वॉलनट को क्रॉस कर लिया, अब वो आगे बढ़ रहा है। अच्छा वो हमने यहाँ पोटैटो माइन रख दिया है, ओह वो तो ब्लास्ट हो गया, क्या बात है, धूल में मिल गया, पूरी तरीके से बरखच्चे उड़ गए उसके। बहुत अच्छा किया ऑगी तूने, ये सामने रख के पोटैटो माइन बहुत काम का है। ये अगर कोई ज़ॉम्बी इसको क्रॉस करके आना चाहे तो वो सीधा ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत सही, ये तो प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ भैया देखिए ये लेवल भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, काफ़ी सारे ज़ॉम्बी आए और काफ़ी सारे ज़ॉम्बी मर गए भैया। देखिए और वो जो हेड है ज़ॉम्बी का, ऊपर जो प्रोग्रेस बार है वो सीधा फ्लैग तक पहुंचता जा रहा है भैया, फ्लैग तक पहुंचेगा तब फाइनल वेव आएगी भैया। तब तक हमने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए एक लेयर हमारे पूरे जो रो है वो सनफ्लावर के लगे हुए हैं, और 2 लगे हुए हैं पी शूटर के, और पोटैटो माइन भी हमने लगा दिया है, इन केस कुछ गड़बड़ हो जाए। वैसे कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है भैया, कितने भी ज़ॉम्बी आ जाए हम तैयार हैं, वॉलनट हमारे तैयार है। बस एक वॉलनट खाया हुआ है, उसके आगे भी हमने एक और वॉलनट लगा दिया है, ये दौड़ने वाला ज़ॉम्बी उसे भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, और उसके लिए तो मैंने बम भी लगा दिया भैया। देखिए एक बार में सारे के सारे ज़ॉम्बी मर गए, अब थोड़े बहुत जो बाकी है वो जल्दी मर जाएंगे भैया, और ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा, क्या बात है भैया। और रिवॉर्ड में हमको इस लेवल के एंड में एक और नया फ्लावर मिलेगा भैया, सॉरी नया प्लांट मिलेगा, जो कि होगा फ्रोजन पी शूटर, ब्लू कलर का भैया। ओए हाँ ये तो है,
अब देख कुछ ही जॉम्बी बाकी है, बस वो भी खत्म हो जाए और साथ में मिल गया, क्या बात है, एंड हो गया। फाइनली हमको एक और नया प्लांट मिल गया है। ऐसे करते करते धीरे धीरे हमको नए नए प्लांट मिलते जाएंगे और हम प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो ये है लेवल 7, तो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। सारे जॉम्बी तो सेम है, वो दौड़ने वाला भी है, तो चल अब स्टार्ट करते हैं। अब हमको एक एक्स्ट्रा प्लांट मिला है, इस बार इसका यूज़ ज़रूर करेंगे। और इस बार मेरी बात मान कि इस बार 2 लेयर लगाते हैं सनफ्लावर के, हमको ज़्यादा सन मिलेंगे और उससे हम काफ़ी सारे प्लांट लगा पाएंगे। ठीक है भैया, इस बार इसको ट्राई करते हैं। तो 2 सनफ्लावर तो वैसे ही लग चुके हैं और अभी तक ज़ॉम्बी आना चालू नहीं हुए हैं, तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। इस बार 2 ह्यूज वेव आने वाली है भैया, यानी ये लेवल थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो ठीक है, आने दो, हम भी तैयार हैं। और ये ज़ॉम्बी आना चालू हो गया है तो उसके लिए भी तैयारी चालू है, वॉलनट लगा दिया है, वो उसे खाता रहेगा, हमारे पास टाइम ही टाइम रहेगा भैया। ये हुई ना बात। अब धीरे धीरे हम इन प्लांट्स को लगाते जाते हैं। सनफ्लावर की 1 लेयर ऑलमोस्ट रेडी है, तो पूरी सनफ्लावर लग चुकी है। अब हम पी शूटर लगाना चालू करेंगे। तो पी शूटर हमारे पास अभी एक ही टाइप का है, सॉरी इस बार 2 टाइप के आ चुके हैं। ओए हाँ, अब देख अब ज़ॉम्बी आना चालू हो रहे हैं, इसको आगे लगा दिया है ताकि पीछे। ये क्या किया तूने, तूने तो बोला था 2 बार लगाएंगे हम, इस बार ये तूने पोटैटो वाइन क्यों लगा दिया? अरे भैया मैं कुछ सोच रहा था, उसे अगर मुझे एक बार टेस्ट करने देंगे तो अगले वीडियो में पक्का, सॉरी अगले बार में हम जरूर ऐसा करेंगे जैसा आप चाह रहे हैं। इस बार मुझे टेस्ट करने दीजिए, पिछले बार देखा ना आपने कितना अच्छा काम कर रहा था ये जो पोटैटो माइन है। तो अगर ज़ॉम्बी ज़्यादा आए भैया, जो कि इस बार फ्लैग ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन करेगा। पिछले बार आप देखा था ना वो दौड़ के कूद के आने वाले ज़ॉम्बी को कैसे ब्लास्ट किया था। तो प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है ना भैया, तो इसको अभी लगा देते हैं, बाद में देखेंगे जब हमारे पास ज़्यादा प्लांट हो जाएंगे तो पोटैटो माइन को नहीं रखेंगे भैया, अभी तो है तो कम से कम इसको रख लेते हैं। ओए ओगी, तू हर बार ऐसे ही करता है, मेरा बात नहीं मानता। बड़ा मैं हूँ कि तू है, मेरा बात मानना चाहिए ना तुझे, और नहीं करता है। सॉरी भैया मिस्टेक हो गई, पर अगले बार ऐसा नहीं होगा। चलिए गेम भी कॉन्सेंट्रेट चाहिए भैया, अभी मेन तो गेम है। पहले इन ज़ॉम्बियों को निपट ले, फिर आपस में लड़ते रहेंगे। हमारे फ्रेंड्स को इन ज़ॉम्बियों से लड़ने दो भैया, उसके बाद देखेंगे हमको क्या करना है। ओए ठीक है, अब ज़ॉम्बियों को मारते जाते हैं और इनके सर पॉपअप करते जाते हैं, बढ़िया है। अब देख ये धीरे से और ज़ॉम्बी आना चालू हो रहे हैं, इनको भी जल्दी से निपटाते हैं। भैया मेरे पास एक आइडिया है, आप बोले तो मैं कहूँ। हाँ अगी बोल, क्या बोलना चाह रहा था? हम इस सीरीज को पूरा खेल के इसके बाद प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 स्टार्ट करें तो कैसा रहेगा भैया, फिर से? ओए मैं से क्या पूछता है, व्यूअर्स से पूछ, व्यूअर्स बोलेंगे तो हम चालू कर देंगे। ठीक है भैया, हम पूछते हैं व्यूअर्स से। तो व्यूअर्स आप ही बताइए कि हमको प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 इसके बाद स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, कि केवल प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 1 ही खेले। ओए तू तो उधर पूछता रह गया, वो ज़ॉम्बी और पास आता जा रहा है, देख हमारा प्लांट कहीं खाना ले। और अच्छा वो तूने यहाँ पर कम से कम पोटैटो माइन रखा हुआ है, ओ बच गया, वैसे लगा कि हमारा प्लांट चला जाएगा लेकिन हम बच गए। ठीक है अब ये सही हो रहा है, इस बार ये जो फ्रोजन पी शूटर है वो अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है, इन ज़ॉम्बियों को बहुत ही स्लो कर दे रहा है ताकि वो ज़्यादा दूर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं और मर जा रहे हैं। 2 काम हो रहे हैं इससे, एक तो उनको डबल पी से शूट हो रहा है और दूसरे उनकी स्पीड भी स्लो हो जा रही है, तो बहुत अच्छा काम। हर जगह हमको फ्रोजन पी शूटर लगाने हैं और धीरे धीरे पोटैटो माइन भी लगाते जाते हैं, बहुत सही हो रहा है। अब तो चाहे 2 ह्यूज वेव आ जाए या 4 ह्यूज वेव, सबको हम झेल लेंगे। ओह वो फिर से आ रहा है, देख उसको फिर से संभालना पड़ेगा, अब फिर से कूदने वाला है। ओह कूद भी गया वो तो, अरे कहीं हमारे प्लांट को खा ना ले, वो गंदा है, वो क्रॉस करके आ ही जाता है कैसे भी, इसको रोकना ही पड़ेगा और जल्दी मर जाए तो अच्छा है, वरना हमारे प्लांट को खा लिया तो फिर से हमको वहाँ पर दूसरी जगह प्लांट लगाना पड़ेगा, और वो खाता ही जा रहा है, गनीमत मर गया। हाँ भैया ह्यूज वेव फिर से आ गई, और इस बार हमने डबल वॉलनट लगाना है भैया, अब अगले ह्यूज वेव तक डबल वॉलनट लगा दे रहा है, और जो सामने वाला एक और स्पेस बाकी है वहाँ पर नॉर्मल पी शूटर लगा देंगे भैया, ताकि हम अटैक पे और अच्छे से रहें भैया। देखिए अब ये धीरे धीरे जो ज़ॉम्बी आ रहे हैं सबको मारना चालू करते हैं और ब्लास्ट करके सबको ख़त्म कर दिया, क्या बात है, ये ह्यूज वेव को तो जल्दी संभाल लिया भैया। ओए हाँ आगे ज़्यादा देर नहीं करनी है, सारा फटाफट इन ज़ॉम्बियों को मारते जाना है, वैसे भी ये मरने के लिए ही बने हैं, कौन सा मार आके हमारे ब्रेन खा लेंगे, और शुरुआत में तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमारे पास प्लांट ही ऐसे ऐसे हैं। हाँ भैया
अभी तक तो बहुत सही चल रहा है और ये ज़ॉम्बी 2002 पहुंच भी नहीं पा रहे हैं और हमने सारी तैयारी कर ली है भैया, सब जगह हमारे प्लांट लग चुके हैं, बस एक लेवल ही बाकी है, वहाँ पर हम और एक प्लांट लगा देंगे, साथ में वॉलनट भी लगा देंगे भैया, डबल लेयर वॉलनट की, तो ये ज़ॉम्बी और भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए अब भुचे खुचे जो ज़ॉम्बी आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी निपटते जा रहे हैं भैया, और खासकर फ्रोजन पी शूटर अपना अच्छा काम करते जा रहे हैं भैया। देखिए जल्दी जल्दी ज़ॉम्बियों को मारते जा रहे हैं। ओए अब ज़रूरत है उस खाली स्पेस को भरने की, वहाँ पर पी शूटर लगाते हैं, लेकिन तूने मेरी बात मानी रहती और डबल लेयर लगाया रहता सनफ्लावर का, तो हमको सन की कमी नहीं होती और इतने सारे ज़ॉम्बी जो आ रहे हैं उनसे हम निपट पाते। पर ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास कोई बड़े लेवल का प्लांट नहीं है इसलिए ज़रूरत नहीं है, जब रिपीटर वगैरह आएंगे तब हमको ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा सन की, तो उस हिसाब से हमको लेना पड़ेगा, अभी चल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इस लेवल को भी क्रॉस कर लेंगे। अब थोड़े बहुत और ज़ॉम्बी बाकी हैं, इसके बाद एक ह्यूज वेव और आनी है, उसके बाद ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ भैया देखिए ये ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं और जल्दी जल्दी मरते भी जा रहे हैं भैया, खासकर ये कूदने वाला, मुझे बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर भैया, ये हमारा वॉलनट कूद के पहुंच जाता है, जब तक हमको टॉल नट नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही करता रहेगा भैया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओए क्या होगा, इन ज़ॉम्बियों की चटनी बनेगी, तू देखता जा, हमारे प्लांट्स इनको एक एक करके चुन चुन के मारेंगे और सफाया कर देंगे, देख बढ़िया हो रहा है, अब कुछ बाकी नहीं है लगाने को, तो सामने सामने पोटैटो माइन लगा देते हैं, कम से कम ज़ॉम्बी आएंगे ब्लास्ट तो होंगे ना, तो देख बढ़िया है। और ये ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं, ओ उसने तो पोटैटो माइन को भी क्रॉस कर लिया, अरे बाप रे, और पोटैटो माइन एक्टिव हुआ है लेकिन ब्लास्ट नहीं हो रहा है, ये क्या हो? अरे ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ठीक है वो मर गया कोई बात नहीं, अगला ज़ॉम्बी आएगा तो ज़रूर मर जाएगा उसमें पैर रख के। और दो दो लेयर हमारे वॉलनट के लग चुके हैं, अब एक काम करते हैं पोटैटो माइन का पूरा एक एक लेयर लगाते जाते हैं, दूसरा भी लगा दिया, अब जैसे जैसे ज़ॉम्बी आएंगे इसमें मर जाएंगे। और ह्यूज वेव भी आ गई सेकेंड वाली, ओके अब थोड़ी बहुत जो ज़ॉम्बी आएंगे जल्दी मर जाएंगे, फाइनल वेव है ये, और जल्दी से इनको मार के इस लेवल को भी ख़त्म करते हैं। तो ठीक है बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बी मरेंगे भी, धीरे धीरे उनकी स्पीड कम हो रही है, और यहाँ पर बम भी लगा के उनको ब्लास्ट कर दिया, क्या बात है। अब थोड़े बहुत जो बाकी है वो पोटैटो माइन संभाल लेगा, अब इसके लेवल में कौन सा प्लांट अनलॉक होने वाला है। लीजिए भैया चॉम्पर अनलॉक हो गया, चॉम्पर जो ज़ॉम्बियों को चबा चबा कर खा जाता है भैया, इसको अगले लेवल पे यूज़ करेंगे, मज़ा आएगा भैया। एक एक प्लांट को यूज़ करते जाते हैं, अब लेवल 8 की बारी है, और इस बार जो ज़ॉम्बी ऐड हुआ है वो है बकेट हेड भैया, देखिए इस बार कूदने वाला ज़ॉम्बी नहीं है, इस बार बकेट हेड है, और इसको मारने के लिए हमको अब प्लांट चूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा प्लांट होते जा रहे हैं, अब उनको चूज़ करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि बम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया, चेरी बम को नहीं लेते इस बार पोटैटो माइन ही ले लेते हैं, तो चलिए खेलना चालू करते हैं। हमारे पास एक स्लॉट होता तो और अच्छा रहता, अब सिर्फ टोटल 6 ही प्लांट से हमको खेलना है, तो ठीक है अब खेलते हैं। सबसे पहले एक प्लांट लगा दिया, वेट करते हैं सनफ्लावर और आने का, और दूसरा भी सनफ्लावर लगा दिया, इस बार आप जैसा बोलते हैं वैसे ही करेंगे भैया, इस बार दो लेयर लगाएंगे सनफ्लावर की, ताकि सनफ्लावर की कमी ना हो, और ज़ॉम्बियों को आने दो इस बार संभाल लेंगे, वैसे तो ये लेवल छोटा ही है भैया, इसमें केवल एक ही ह्यूज वेव आने वाली है, और ज़ॉम्बी भी सेकंड लास्ट रो से आना चालू हो रहा है, तो उसके लिए रोकने के लिए एक वॉलनट लगा देते हैं। पर ये क्या भैया आप वेट क्यों कर रहे हैं, जल्दी से वॉलनट लगाइए, अब ठीक है अब हमारे पास टाइम ही टाइम है कि हम सेकंड लेयर की तैयारी कर पाए, तो ठीक है सो खाने दो, ज़ॉम्बी को भूख लगी है भैया, कम से कम थोड़ा वॉलनट खाएगा उसका पेट भरेगा भैया, ठीक है उसके बाद मारेंगे, खाली पेट मारने से मज़ा नहीं आता, उसको कुछ खाने दो, ठीक है बढ़िया है। अभी तक हम यहाँ पर पी शूटर लगा के उसे मारते जा रहे हैं भैया। ओए हाँ ऊपर से दूसरा ज़ॉम्बी भी आ रहा है, तैयारी कर उसे भी मारना है, तो दूसरा पी शूटर भी रख दिया है, अभी खाली स्पेस, यहाँ बॉम्ब मत रखना, बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर सनफ्लावर आएंगे, ये हुई ना बात, अब दूसरा सनफ्लावर लगाना चालू करते हैं, डबल तो कम से कम होने ही चाहिए, कम से कम इतने सनफ्लावर होने चाहिए कि हम आराम से ज़ॉम्बियों को मारने के लिए सन हमारे पास हो और प्लांट्स लगा सकें, तो ठीक है अब हमको खूब सारे सन मिलेंगे। तो अब ऐसे करके ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं, इनसे भी निपटना चालू करते हैं, वॉलनट एक्टिव नहीं हुआ है तो यहाँ पर पी शूटर रख देते हैं, वो ज़ॉम्बियों को मारेगा, अब ठीक है अब दो और बाकी है बस, फिर हमारे सारे के सारे सनफ्लावर लग जाएंगे, उसके बाद इन ज़ॉम्बियों की खैर नहीं।
हाँ भैया, देखिए ये तो ऐसे ही मर जाएगा। और हर जगह ये पी शूटर रख देंगे सबसे पहले भैया, और वॉलनट एक्टिव हुआ है तो हेड वॉलनट भी लगा दिया। और इस बार एक नया करते हैं कि जो पोटैटो माइन है उसको सामने कर देते हैं भैया, ताकि ज़ॉम्बी आए तो वहीं ब्लास्ट हो जाए। पर वो एक्टिव क्यों नहीं हो रहा? अब जाके एक्टिव हुआ, अब वो ज़ॉम्बी आएगा, उस पर पैर रखेगा और ब्लास्ट हो जाएगा। क्या बात है भैया, बढ़िया, हमारा एक पोटैटो माइन ने बहुत सही काम किया। अब हमारे सारे सनफ्लावर लग चुके हैं, साथ में पी शूटर भी लग चुके हैं। अब आना चारों हो रहा है कौन वाला ज़ॉम्बी, तो इसको ठंडा कर दें क्या भैया? या चॉम्पर लगा देते हैं, ये सही है, इस बार चॉम्पर लगाते हैं। ये उस ज़ॉम्बी को एक ही बार में कच्चा चबा जाएगा भैया। ऐसे ही सबके पीछे में चॉम्पर लगाना चालू करते हैं, ताकि ज़ॉम्बी आए और चॉम्पर उसे खा जाए। और उसके पीछे में फिर फ्रोजन पी शूटर लगाएंगे भैया, ये हुई ना बात। अब ये देखिए बकेट वाला आ रहा है, बकेट के लिए एक और चॉम्पर लगा देते हैं, वो तो एक बार में इसे बाल्टी समेत खा जाएगा भैया। बढ़िया है, और इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में मर जाएगा, वरना बकेट हेड को तो बहुत मारना पड़ता भैया, कम से कम चॉम्पर है तो दिक्कत नहीं है। ओए ठीक बोला तूने, आने दे इसको, हमारा चॉम्पर ही संभाल लेगा इसको। अब पूरे वॉलेंट भी लग गए हैं, बस सब जगह चॉम्पर लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद रहा सा कसर हम फ्रोजन पी शूटर से बनाएंगे। और इस बार तूने ये काम बहुत अच्छा किया, डबल लेयर लगाए सनफ्लावर के, तो हो क्या रहा है कि हमारे पास सन की कमी नहीं है, खूब सारे सन आते जा रहे हैं, तो अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। डबल लेयर पी शूटर के भी रख दें तो भी चलेगा, और चॉम्पर तो लग ही गए हैं, ये हुई ना बात। अब ठीक है, अब ज़ॉम्बी धीरे धीरे सबसे मरते जाएंगे, और फ्रीजर फ्रोजन वाले रखेंगे तो स्लो होके आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, उससे पहले मर जाएंगे, और चंपर को खाना नहीं मिलेगा। चंपर को खाना मिलना चाहिए, इसलिए फ्रोजन वाले नहीं लगाते, वरना ज़ॉम्बी बहुत स्लो हो जाएंगे। और हमारे पास वैसे भी काफ़ी सारे सन हैं, हम क्या यूज़ करेंगे उसका, तो नॉर्मल सन पी शूटर ही रखते हैं, फ्रोजन वाले को नहीं रखते। ये ठीक है, बढ़िया है, अब कभी भी ह्यूज वेव आ सकती है, और पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। वाह भैया, मज़ा आ गया। देखिए अब बचा हुआ एक ही स्लॉट है जिसमें एक पी शूटर आएगा, और हमारे पास सन तो इतने सारे हो गए हैं कि अब संभालने में ज़रूरत नहीं है भैया। अब तो लगता है कि अब कुछ लगाना ही नहीं पड़ेगा, सारे हो चुके हैं, और ये बचा हुआ चॉम्पर ने खा लिया। अब बढ़िया है, ह्यूज वेव आ रही है भैया, इस बार हमने कोई बॉम्ब नहीं रखा हुआ है तो एक बार में उसको ब्लास्ट नहीं कर सकते, पर आने दो, हमारे चॉम्पर सबको खा जाएंगे भैया, और हमारे पी शूटर तो है ही। देखिए ये फाइनल ह्यूज वेव है, इसके बाद ये लेवल ख़त्म हो जाएगा। ये एक बकेट हेड वाला आ रहा है, उसको तो चॉम्पर कच्चा चबा जाएगा। बढ़िया है, देखिए अब बस इतने ही ज़ॉम्बी बाकी हैं, सब पॉपअप करके मरते जा रहे हैं, बस अब इतने ही बाकी हैं, जिसमें से एक बकेट हेड वाला है जिसको तो चॉम्पर खा जाएगा, दूसरा कोन वाला है उसको भी चॉम्पर चबा ही जाएगा, और लास्ट वाले को तो हमारे पी शूटर संभाल लेंगे। तो इस तरीके से ये वीडियो भी एंड हो जाएगा भैया, तो वाह सॉरी ये लेवल भी एंड हो जाएगा। उसके बाद अब आगे देखते हैं, तो ख़त्म हो गया, क्या बात है, इसके बाद हमको रिपीटर मिला है, ये हुई ना बात भैया, अब रिपीटर यूज़ करेंगे अगले लेवल में। ओए हाँ चल, अब लेवल 9 की बारी है, या अब इसके बाद 10, फिर ये डे वाला ख़त्म हो जाएगा। हाँ भैया देखते हैं, तो ये चालू हो रहा है, इस बार कूदने वाला भी है और बकेट हेड भी है भैया, तो वही रखते हैं जो पिछले बार रखे थे भैया, पर इस बार रिपीटर ऐड हो चुका है, तो मुझे लगता है पोटैटो माइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया, पोटैटो माइन को छोड़ देते हैं। चलिए आगे खेलना चालू करते हैं, तो ये हुई ना बात, अब ठीक है। ओए ठीक है, सारे प्लांट चूज़ हो चुके हैं, अब खेलना चालू करते हैं, तो पहले सनफ्लावर लगा देते हैं, और देखते हैं ये लेवल कैसा रहेगा, लेवल 9 है ये, और हम नॉर्मल इस बार भी डबल लाइन लगाएंगे, तो वो स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, हमारे पास सन ही सन होते हैं, तो हमको ज़्यादा सन की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ज़ॉम्बियों को आने दे, हम वेट करा लेंगे उनसे, और तब तक के हमारे पूरे प्लांट लग जाएंगे, तो इसमें 2 ह्यूज वेव आने वाली है, ठीक है दोनों को संभालते हैं। तो ठीक है, अब धीरे से जो जहाँ पर ज़ॉम्बी आ रहा है इसको और खसका देते हैं। ये वॉलनट को मैंने एक ब्लॉक और आगे रख दिया है, ताकि हमको पीछे में और जगह मिले, ताकि प्लांट लगा सकें, तो पहले 2 लेयर तो सनफ्लावर के लगेंगे, बाकी देखा जाएगा। तो ठीक है अभी सही चल रहा है, उसको खाने दे, तब तक हमारे पास और सनफ्लावर हो जाएंगे, और वो खाता रहेगा तब तक। ये पीक शूटर लगा दिया, और दूसरा भी लगाते जाते हैं सनफ्लावर धीरे धीरे साथ में, तो सनफ्लावर भी पूरे होते जाएंगे, एक लेयर पूरी सनफ्लावर की लग गई जो हम चाहते थे। अब वहीं उसी लेवल से दूसरा भी ज़ॉम्बी आ रहा है, तो एक और लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमको फोकस करना है कि यहाँ पर वॉलनट रख सकें, हर जगह वॉलनट लग जाएंगे तो हम फिर सनफ्लावर तो लगा ही पाएंगे ना। ठीक है अब 2 जगह सनफ्लावर यहाँ पर वॉलनट लग चुके हैं, और ये वाला वॉलनट तो हमारा आधे खा गया,
बाप रे ज़ॉम्बी कितने भूखे हैं, अगर इनको मौका मिले तो हमारा ब्रेन भी खा जाएंगे, तो इनको रोकना ही पड़ेगा। वॉलनट को तो आधे ही खा गए, उसका सिर गायब हो गया देख, अरे वो मुंडू हो गया और उसका सिर ही दिख नहीं रहा है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसका बदला हमारे प्लांट लेंगे। उनके साथी को उन्होंने खाया है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, सबको मार देंगे। तो ठीक है देर, अब देर जो भी ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ऊपर वाले ज़ॉम्बी के लिए कुछ करना पड़ेगा, वहाँ पर ना पी सूडर है ना वॉलनट है, तो वहाँ के लिए देखना पड़ेगा। घबराई नहीं भैया, उसका भी जुगाड़ हो गया है, वहाँ पर एक पी शूटर लगा दिया भैया। जब तक वो ज़ॉम्बी यहाँ तक पहुँचेगा तब तक वो ढेर हो चुका होगा, पी शूटर उसे मार मार कर भजिया बना चुका होगा। देखिए फिर से ये उछलने वाला ज़ॉम्बी भैया, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। चम्पर आ गया, चम्पर से इसे खा जाते हैं। ठीक है अब ऐसे ही करते हैं भैया, धीरे धीरे वॉलनट लगाना चालू करते हैं, उसके पीछे में चम्पर। सब जगह हमारे पी शूटर तो लग ही चुके हैं और सनफ्लावर की पूरी जो रेंज है वो पूरी हो चुकी है। देखिए भैया फिर से अब ये कौन वाला ज़ॉम्बी है, लेकिन हमारा वॉलनट अभी एक्टिव होने में टाइम लगेगा, तो इसके लिए चम्पर लगा देते हैं। आएगा चम्पर इसे खा जाएगा भैया, जब वॉलनट एक्टिव होगा तो उसके आगे वॉलनट लगा देंगे। ओए ठीक है, बढ़िया है, अब मज़ा आ गया, धीरे सबको खाते जा रहा है। और अभी पहली यूज आने वाली है, उसकी तैयारी करनी होगी, तो चम्पर सब जगह लगा देते हैं और इन ज़ॉम्बियों को धीरे धीरे आने देते हैं। इस बार फ्रोजन वाला लगा सकते हैं ना, पर हमारे पास तो रिपीटर भी है ना, रिपीटर लगाएंगे। तो देख अभी खाली जगह पे अब आगे रिपीटर लगाना चालू करेंगे, बस एक वॉलनट और लग जाए और साथ में एक चॉम्पर लग जाए तो हमारा जो पूरा फॉर्मेशन है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है अब वेट करते हैं, एक चॉम्पर पहले लगाए या एक वॉलनट, वॉलनट को तो टाइम है, एक चॉम्पर और लगा दिया। ठीक है अब सारे चॉम्पर लग चुके हैं अपने जगह पे, अब वॉलनट भी एक जगह और लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसके बाद फिर हम रिपीटर लगाना चालू करेंगे, अब बारी है रिपीटर की, अब सब जगह रिपीटर लगाएंगे ताकि दो दो और एक साथ छोड़ना चालू करेंगे। ये हुई ना बात, सन की कमी तो हमें है नहीं, क्योंकि हमारे सनफ्लावर लगातार चलते जा रहे हैं और सन प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो ज़ॉम्बी आ रहे हैं, ज़ॉम्बी मरते जा रहे हैं, आधे को चॉम्पर खा रहे हैं और आधे को हमारे पी शूटर छोड़ नहीं रहे हैं, तो पहली यूज आ गई इस तरीके से। हाँ भैया देखिए बढ़िया चल रहा है, क्या फॉर्मेशन बनाया है, बस तीन जगह और बाकी है, वहाँ पर रिपीटर लगा दें तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए ये फ्लैग लेकर ज़ॉम्बी आ रहा है और उसका सर पॉप अप हो गया, भैया क्या बात है, सर के साथ गिर गया वो। अब देखते हैं सर पहले गिरा फिर बाद में वो गिरा। ओके धीरे सभी ज़ॉम्बी मरते जा रहे हैं, बस ये थोड़े हार्ड जो कॉम जो ये कोन वाले ज़ॉम्बी है वही बच जा रहे हैं, उनको भी चॉम्पर खा जा रहा है। ओ ये उछलने वाला ज़ॉम्बी आ गया भैया, पर इस बार हमारे पास रिपीटर है, उसको तो तुरंत मार देंगे। और पर ये क्या हो रहा है भैया, वो तो हमारा चॉम्पर खा गया, अरे ये गंदा है, इसे तो रिपीटर भी संभाल नहीं पाया भैया, ये क्या हुआ। अब फिर से एक चॉम्पर उसकी जगह लगा दिया, अब तो यहाँ पर एक और पी शूटर लगा दे, सॉरी रिपीटर लगा दे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा और अगले लेवल के लिए हम फिर से तैयार हो जाएंगे। तो ये हुई ना बात। अब देखते हैं हमारे पास अब ये जो पी शूटर है, सॉरी फ्रोजन पी शूटर है, वो लगाएंगे भैया अब जगह, ताकि और भी स्लो हो जाए ज़ॉम्बी। ओए हाँ सही कहा, बस फ्रोजन पी शूटर लगाना चालू करते हैं वहाँ वहाँ पर, तो सब ज़ॉम्बी मरते जाएंगे। अब बढ़िया है, अब धीरे धीरे हमारा जो पूरा काम है वो पूरा होता जा रहा है, बस सब जगह ये फ्रोजन पी शूटर लग जाए तो हमारा बाकी फॉर्मेशन भी पूरा हो जाएगा और आगे हम पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। देख ज़ॉम्बी बहुत स्लो हो गए हैं जब से ये फ्रोजन पी शूटर आया है, और चॉम्पर को तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई खाना मिलेगा, अगर कोई केस में अगर बकेट हेड वाला ज़ॉम्बी आया तभी हो सकता है चॉम्पर उसे खा पाए, वरना तो सारे ज़ॉम्बी ऐसे ही मर जाएंगे, और हो सकता है ये कूदने वाला ज़ॉम्बी भी आ जाए तो ये भी चॉम्पर उसे खा जाएगा। तो ठीक है बढ़िया है, अभी तक तो बहुत सही चल रहा है, अब आया बकेट हेड वाला इतने देर बाद, उसे तो ये चॉम्पर खा जाएगा, उसके लिए पी शूटर्स की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लगातार उस पर अटैक हो रहा है तो हो सकता है कि वो चॉम्पर तक ना पहुंच पाए और मर जाए। देखते हैं सारे ज़ॉम्बी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और दूसरा बकेट हेड वाला भी आ गया। हाँ भैया बस अब थोड़े ही बाकी हैं, इसके बाद ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फाइनली हम लेवल 10 तक पहुंच पाएंगे, उसके बाद हम फाइनल इस जो लेवल है इसको हरा पाएंगे भैया, सॉरी जो डे वाला है उस लेवल को ख़त्म कर पाएंगे। इसके बाद मेरे ख्याल से नाइट वाला चालू होगा या पानी वाला चालू होगा याद नहीं है मुझे, आगे हमें देखना पड़ेगा इसके आगे क्या है, तो जिसको ख़त्म करेंगे तभी समझ में आएगा, बहुत देर हो गया ना भैया इसलिए याद नहीं आ रहा। अब फाइनल यूज जो है बस इसे ही मार कर ख़त्म करते हैं। देखिए भैया
ना आखिरकार फाइनल ह्यूज वेव आ चुकी है और ये फाइनल वेव है, बस इतने ही जॉम्बी को हमको मारना है, उसके लिए लेवल भी खत्म हो जाएगा। और लगातार इसकी अटैक होते जा रही है कि वो दौड़ने वाला जॉम्बी तो टिक ही नहीं पाया और वो रास्ते में ही मर गया भैया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सारे जॉम्बी धीरे धीरे मरते जा रहे हैं और ब्लू ब्लू भी होते जा रहे हैं क्योंकि उन पर फ्रोजन पी शूटर लगता जा रहा है भैया, फ्रोजन पीस लग रहा है। अब फाइनली ये बकेट हेड वाला है जो थोड़ा सा ढीठ है भैया, यानी कि काफ़ी टाइम लगेगा इसको मारने में, तो इसको मारने के लिए चौंपर ही काफ़ी है। ओ उसकी बाल्टी भी हट गई भैया, लगता है वो चौंपर तक नहीं पहुँच पाएगा और पहले ही मर गया, क्या बात है। देखिए कुछ लेटर मिला है, देखते हैं, ये लगता है मुझे जॉम्बियों ने भेजा है। क्या लिखा है, वी आर अबाउट टू लॉन्च एन ऑल आउट अटैक ऑन योर हाउस। ओके ठीक है, आ जाओ हम भी बताते हैं क्या होगा तुम्हारे साथ में। ओए फाइनली हम लेवल 10 तक पहुंच गए, क्या बात है। इस डे वाले सीरीज का मतलब डे वाले जो लेवल है उसका ये आखिरी पोर्शन है, तो आखिरी वाले स्टेप को ख़त्म करेंगे तो ये डे वाला लेवल ख़त्म हो जाएगा। लेवल 10 पहुंच चुके हैं हम, तो ठीक है आने दो, इसमें भी डबल ह्यूज वेव आने वाली है और साथ में ये तो बाल्ट, ओके ये तो बेल्ट वाला है, ठीक है इसमें से आते जा रहे हैं प्लांट, इनको लगाना है। हाँ भैया ये बेल्ट वाला है, तो जैसे जैसे प्लांट आएंगे उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो अभी तो हमको बॉम्ब मिल रहे हैं, चेरी बॉम्ब को संभाल के रखना है भैया, इन केस कुछ गड़बड़ हुई तो चेरी बॉम्ब यूज़ कर पाएंगे हम। तो वॉलनट लगा देते हैं और यहाँ अटैक करने के लिए पी शूटर लगा देते हैं। ठीक है, अब दो जगह तो हमारे सिक्योर हो चुका है, तीसरे के लिए भी यहाँ पर वॉलनट लगा दिया है। अब जब तक कि कुछ नहीं आ जाता और एडवर्स सिचुएशन ना आ जाए तब तक हम चेरी बॉम्ब, हमारे पास तीन तीन है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी उनको यूज़ कर सकते हैं। फ्रोजन पी शूटर भी मिल गया है, अब तो उसको स्लो करने का भी काम हो गया भैया, बढ़िया है। चौंपर है, चौंपर को उसके पीछे लगा देते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे जो पी शूटर आते जा रहे हैं उनको लगाते जा रहे हैं भैया। अब हमारा पूरा लेयर जो है वो प्रोटेक्टेड हो गया है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है और रहा सा जो काम है वो हमारा वॉलनट कर देगा। और पोटेटो माइन को सबसे पीछे वाले लेयर में रखते हैं भैया, ताकि ज़ॉम्बी आए तो कम से कम वो ब्लास्ट हो जाएंगे एक ही बार में, हमको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये ठीक हुआ ना, अब ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिपीटर आते जा रहे हैं इनको भी आगे लगाते जाएंगे। अब हर लेयर पे हमारे दो दो पी शूटर हो गए हैं, रिपीटर भी आते जा रहे हैं, अब ठीक है। देखिए वॉलनट भी मेरे को मिलते जा रहे हैं हमको, और पूरी जगह वॉलनट भी लग जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए, पोटेटो माइन भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, फ्रोजन पी शूटर मिला है, अब जहाँ पर फ्रोजन पी शूटर नहीं है वहीं वहीं पर हम फ्रोजन पी शूटर लगाएंगे। ठीक है, अब बढ़िया है, अब एक और वॉलनट मिला है इसको भी लगा देते हैं। अब तो हम वेल प्रोटेक्टेड हैं भैया, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़ॉम्बी कितने भी आ जाए हमारे रिपीटर और जो पी शूटर है वो अपना काम कर रहे हैं, और प्रोटेक्शन के लिए पोटेटो माइन भी है, ये लास्ट वाला भी यहाँ लगा दिया, अब सही है। अब बहुत अच्छा है, चौंपर भी दूसरा आ गया है उसको भी लगा दिया। ओ यहाँ आ गई, और साथ में हमारे पास चार चार चेरी बॉम्ब हैं, अब कभी भी ये ज़ॉम्बी ज़्यादा नाटक किए तो चेरी बॉम्ब से उनको उड़ा देंगे, तो ठीक है। अभी फ्रोजन पी शूटर जहाँ जहाँ पर नहीं लगे हैं वहाँ वहाँ पर लगाना है, और ये धीरे धीरे रिपीटर आते जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं सब जगह पहले ये फ्रोजन पी शूटर और रिपीटर लगा देते हैं, उसके बाद फिर जगह बचेगी तो नॉर्मल पी शूटर को हटा के उसकी जगह रिपीटर लगाएंगे। तो ये हटाया और उसकी जगह रिपीटर लगाते हैं, तो ऐसे रिप्लेस करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो सिंपल सिंपल पी शूटर है उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, उनको हटा के उनको लगता है कि सामने रखना पड़ेगा तभी काम बनेगा। हाँ भैया, अब हमारी ट्रे भरते जा रही है, प्लांट पे प्लांट आ रहे हैं, तो अब उनको सामने लगाना ज़रूरी है भैया, ये सैक्रिफाइस तो करेंगे पर कोई बात नहीं भैया, हमारे पास प्लांट बहुत सारे हो गए हैं, अब उनको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भैया। तो धीरे धीरे वॉलनट भी लगाना चालू कर रहे हैं, वॉलनट भी सेकेंड लेयर लगना चालू होगी भैया, अब ठीक है। जब हमको रिपीटर मिलेंगे तो हमको रिप्लेस करेंगे भैया, सब जगह फ्रोजन पी शूटर भी लग चुके हैं तो इनको आगे ही लगाना चालू करते हैं भैया, भले ही प्लांट खा जाएंगे हमारे ज़ॉम्बी लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। पोटेटो माइन भी मिला है, उसको भी सामने रख देते हैं क्योंकि वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, जब तक कोई प्लांट हटेगा नहीं तब तक दूसरा प्लांट आएगा नहीं, तो ठीक है। हमारे पास पूरी तरीके से भर चुका है, अब कोई जगह नहीं बाकी है जहाँ पर रखना है, तो इसी सामने सामने रखना चालू करते हैं। और अब ठीक है, अब देवज भी ज़ॉम्बी आ रहे हैं, उनके ऊपर ऑल अराउंड अटैक हो रहा है, और वहाँ ब्लास्ट भी हो गया, क्या बात है। और दूसरे वाले में भी एक पोटेटो माइन रखा हुआ है, अगर वो एक्टिवेट हो गया तो अच्छी बात है, सारे ज़ॉम्बी एक साथ मर जाएंगे। और चेरी बॉम्ब एक फाइनली यूज़ कर लिया, ठीक है, अभी तो पहला ह्यूज वेव आया है, अभी एक और ह्यूज वेव बाकी है। ओए मज़ा आ गया होगी, क्या बात है, एक और ब्लास्ट हुआ और ज़ॉम्बी मर गए, अभी जो भी आगे मिलते जा रहे हैं उनको वहाँ लगाते जा, ठीक है। और चौंपर तो अब कोई काम के नहीं है,
क्योंकि वहाँ तक जॉम्बी पहुँच ही नहीं पा रहे हैं और उसके पहले ही मर जा रहे हैं। फिर भी जो चॉम्पर मिल रहे हैं उनको वहीं पर प्लेस करते जाते हैं पीछे में। हो सकता है कि जॉम्बी अगर वॉलनट खा के आगे बढ़ जाए तो चॉम्पर उन्हें संभाल लेगा। तो वैसा मुझे चांस तो नहीं लग रहा है क्योंकि सारे के सारे मरते जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, इतने सारे जॉम्बी ने हमारे वॉलनट को खाना चालू कर दिया है और साथ में फ्रोजन पी शूटर के जस्ट सामने हैं। तो देखते हैं कि वो टिक पाएगा कि नहीं। और धीरे धीरे सब जॉम्बी तो मरते जा रहे हैं, बढ़िया है। और मुझे नहीं लगता कि वो वॉलनट टिक पाएगा, तो दूसरा वॉलनट और लगा देते हैं। ठीक है, अब बढ़िया है। अब सारी जगह यहाँ पर खाली खाली स्पॉट पे ये प्लांट लगाते जाते हैं। और एक और ब्लास्ट कर दिया, चेरी बॉम्ब ख़त्म होते जा रहे हैं। और वैसे भी इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो इनको फाइनली यूज़ कर ही लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सारे प्लांट जो आते जा रहे हैं वो अब फाइनली यूज़ करते हैं। अब यूज वेव आखिरी आने वाली है। इतने सारे ज़ॉम्बी हो ही चुके हैं, सारी जगह हमारे भर ही चुके हैं, अब क्या करेंगे हम। हाँ भैया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। देखिए अब इतने से ज़ॉम्बी बाकी हैं, इनको मार के ये खेल ख़त्म करते हैं भैया। देखिए, अरे बाप रे, ये सारे प्लांट को खाते जा रहे हैं। पर हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, सामने के प्लांट खा भी जाएं तो क्या हुआ, पीछे के पूरे प्लांट तो प्रोटेक्टेड है ना। अब चेरी बॉम्ब कभी भी यूज़ करके इसको ब्लास्ट करके ख़त्म कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे प्लांट बाकी हैं सबको लगा के सब ख़त्म करते हैं। इतने सारे प्लांट रख के हम क्या करेंगे, और ज़ॉम्बी तो वैसे ही उनको खाना ही है तो खाने दो। अब देखते हैं, बस चेरी बॉम्ब यूज़ करके इसको ख़त्म करेंगे। ओए हाँ, चेरी बॉम्ब हम लास्ट में रखेंगे यूज वेव को संभालने के लिए। अभी तक यूज वेव आई नहीं है और बस ये ज़ॉम्बी मर जाए इसके बाद यूज वेव चालू होगी। तो हम उसके लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं, पूरे प्लांट्स को सामने सामने रख देते हैं। अब ठीक है, एक स्लॉट और बाकी है, एक और प्लांट आएगा उसको भी रख देंगे और ब्लास्ट हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब जितने भी ज़ॉम्बी आने दो, अब सबको हमारे प्लांट संभालेंगे। अब तो जगह ही नहीं बची कहीं किसी को रखने की, तो आने दो और खाने दो, उसके बाद सब मर जाएंगे। बहुत बढ़िया, जितने ज़ॉम्बी आ रहे हैं आने दो, हम सब मरते जाएंगे। बढ़िया है, अब सही है। इतने सारे हमारे प्लांट हो चुके हैं कि अब रखने के लिए जगह ही नहीं बची है। और ये लेवल तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, आराम से इस लेवल को पार कर दिया। अब इतने से ही ज़ॉम्बी बाकी हैं, बस इसके बाद ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बस ख़त्म हो गया। हाँ भैया, ये लेवल भी ख़त्म हो रहा है। तो मज़ा आया भैया ऐसे भी खेलने में। अब देखते हैं कि आगे के लेवल में हमको कौन सा जो वर्ल्ड है वो अनलॉक होगा। वर्ल्ड तो इसमें नहीं होते, पर टाइप होता है गेम टाइप। ठीक है, तो हमको एक मशरूम मिला है, स्पोर जो छोड़ता है, तो इसको अगले वीडियो में ऐड करेंगे। तो ये था भैया वीडियो, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। We'll be right back.